बच्चों आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 7 का पहला अध्याय गणित विषय का 1.1 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में उसको पढ़ा चुकी हूं और 1.1 में शुरू कर रही हूं। बच्चों मैं कक्षा 7 का गणित, विज्ञान और अंग्रेजी तीनों विषय पढ़ाऊंगी और आगे अगर हुआ तो फिर क्लास 6 और क्लास 8 का भी मैं पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा 1.1। मैंने यहाँ प्रश्न अपनी कॉपी में लिखा हुआ है ताकि इसको अच्छे से मैं आपको बताते जाऊं, लिखवाते जाऊं और अच्छे से समझाते जाऊं। इसको करने के लिए मैंने एक यहाँ पर देखिए संख्या रेखा बनाई है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा मैंने एक संख्या रेखा बनाई है ताकि जिन बच्चों को थोड़ी भी कठिनाई होगी समझने में वो इस संख्या रेखा की मदद से जो हमारा ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों इधर जो है शून्य के घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक पूर्णांक, और इधर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, घनात्मक पूर्णांक की जो पूर्णांक होते हैं वहां पे चिन्ह अगर देना दे भी सकते हैं चिन्ह, और अगर चिन्ह नहीं भी दिए तो वह घनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस का चिन्ह जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, माइनस पांच और पांच के बीच की पूर्णांक, माइनस पांच और पांच। तो देखिए इसमें बच्चों संख्या रेखा पर माइनस पांच आपका यहां पर है और पांच यहां पर है। ठीक है, पांच यहां पर है, माइनस पांच यहां पर, इन दोनों के बीच की जो ये पूर्णांक है उसे हमें लिखना है, इन दोनों के यानी माइनस चार से लेकर प्लस चार तक। ठीक है, तो माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, शून्य, एक, दो, तीन, चार। ठीक है बच्चों, बी माइनस दो और आठ के बीच का पूर्णांक लिखना है। तो देखिए बच्चों माइनस दो और ये हुआ आपका आठ, माइनस दो यहां पर है और आठ यहां पर, और इन दोनों के बीच का पूर्णांक हमको पूरा लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस एक, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक है, अब आइए सी, माइनस सिक्स और माइनस दो। तो देखिए माइनस सिक्स और माइनस दो दोनों ऋणात्मक है, तो हम इन दोनों के बीच का ये पूर्णांक लिखेंगे, माइनस पांच, माइनस चार, माइनस तीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस पांच, माइनस चार, माइनस तीन। ठीक है, जिन बच्चों को भी ये दिक्कत हो पूर्णांक में थोड़ा सा भी, तो वो संख्या रेखा की मदद से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चाहे वो परीक्षा में भी, तो आप संख्या रेखा बनाकर उसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट माइनस चार और माइनस दस। तो देखिए बच्चों माइनस चार और माइनस दस, माइनस दस यहाँ है, माइनस चार यहाँ है, तो माइनस चार और माइनस दस के बीच में माइनस चार, माइनस पांच, छह, सात, आठ, नौ, माइनस नौ तक। ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, माइनस पांच, माइनस छ, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ। ठीक है, माइनस चार, ये आपका माइनस चार और माइनस दस के बीच में पांच से लेकर नौ तक, पांच से लेकर नौ तक की ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। ठीक है बच्चों, बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। ए है माइनस बीस और चार। तो बच्चों घनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, माइनस पंद्रह, माइनस आठ। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक पूर्णांक में जो संख्या छोटी होती है वह ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस आठ, शून्य और माइनस पांच, शून्य में और माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य में शून्य जो होता है वो बड़ा होता है, हर ऋणात्मक पूर्णांक बच्चों शून्य से छोटा होता है। ठीक है, माइनस बीस और माइनस सात, सात वाली संख्या छोटी है इसलिए यह ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, बड़ा होगा। पच्चीस और माइनस दो, एक घनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक में हमेशा घनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है, माइनस बीस और माइनस अठारह, माइनस अठारह। ठीक है, तो बीस और अठारह में जो संख्या कौन सी छोटी है, संख्या अठारह छोटी है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के में यह पूर्णांक जो है बड़ा होगा। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन,
रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह लगाइए, ठीक है। इसमें चिन्ह लगाना है, कौन सा बड़ा है, छोटा है या बराबर है। -6 -8, -6 जो है बच्चों -8 से बड़ा है। 4 और 0, 4 0 से बड़ा है। -15 और 2, यहाँ 2 -15 से बड़ा है। -50 और -54 + 4, देखिए -54 + 4 जो है बच्चों, इसको अगर हम हल करते हैं -54 + 4 तो ये आ जाएगा -50, यानी -50 और इधर भी है -50, तो ये बराबर हो जाएगा। 25 और 25 भी क्या है बच्चों, यह बराबर है। और इधर देखिए है 4 - 15 और इधर है 2 - 2, ठीक है। 4 - 15 2 - 2 बच्चों हो जाएगा 0, 4 - 15 जो हो जाएगा आपका 15 में से 4 घटा देंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना, तो ये हो जाएगा -11। तो हमेशा बच्चों 0 जो है वह बड़ा है, घनात्मक पूर्णांक से 0 हमेशा बड़ा होता है। नहीं बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आपका 0 नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 - 20, यहाँ हो जाएगा -18 और इसका चिन्ह हो जाएगा बड़ा। -11 जो है पूर्णांक वह -18 से बड़ा है, -11 पूर्णांक -18 से बड़ा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें। बच्चों बढ़ते क्रम में हमें पूर्णांक को लिखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक है वह कौन सा है, तो सबसे छोटा जो होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ -2 और -8 दो ही ऋणात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, और मैंने बताया था जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी होती है, इसलिए जो है -8 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद -5, उसके बाद -2, उसके बाद आपका आ जाता है 12, फिर 15 और फिर 20। -8 जो है सबसे संख्या बड़ा है लेकिन वह छोटा होगा, ठीक है। अब आइए बी, इसमें भी आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे छोटा हो जाएगी संख्या -15, उससे बड़ी -4, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा हो जाएगा 0, उससे बड़ा हो जाएगा 5 और उससे बड़ा हो जाएगा 8। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन, नीचे दिए गए पूर्णांकों को अगला पूर्णांक बताइए। -18 के बाद का अगला पूर्णांक बताना है, ठीक है बच्चों। तो -18 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -17, ठीक है। 15 के अगला पूर्णांक हो जाएगा 16, ठीक है। -20 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -19, देखिए कैसे, ठीक है। और 18 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 19, और -5 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -4। अगला पूर्णांक, ठीक है, -5 का अगला पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए -4 का अगला पूर्णांक जो हो जाएगा वह हो जाएगा -5। -5 का अगला पूर्णांक देखिए बच्चों, आप संख्या रेखा पर खुद देख सकते हैं, -5 का अगला पूर्णांक -4 है। उसी तरह से -5 का अगला पूर्णांक पूछा है, तो क्या होगा, -5 का अगला पूर्णांक -4। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए पूर्णांकों को के पहले का पूर्णांक बताइए, ठीक है। तो 25 के पहले का पूर्णांक क्या होगा बच्चों, 24 होगा। -49 का पहला, इसके पहले का पूर्णांक क्या होगा बच्चों, तो इसके पहले का पूर्णांक जो हो जाएगा वो -60 हो जाएगा, ओके। अब -55 के अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, -56 हो जाएगा। और -26 के पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और 99 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा 99, ठीक है बच्चों। अब आइए रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो -5 और 2 कितना हो जाएगा -3,
और यहाँ 2 और माइनस 5 प्लस और माइनस माइनस होता है, और एक माइनस अगर हो तो हम उसमें घटाते हैं, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है क्या -5 प्लस 2 और 2 प्लस माइनस 5 बराबर हैं, तो देखिए -3 बराबर है -3 के, तो यह हो जाएगा कि हाँ यह बराबर है। आठवां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो माइनस ए प्लस 6 बराबर 6 प्लस, तो यहाँ -a हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस ए जोड़े हैं और ये बराबर का चिन्ह है, तो इधर भी -a होगा। -8 में हम कितना जोड़ेंगे कि शून्य हो जाएगा, तो -8 में हम 8 जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, +8 -8 शून्य। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति में 2 + 9 + -6, 2 + 9 का एक जगह यहाँ पे बनाया है और -6 है, तो हम यहाँ -6 लिखेंगे। 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 15 में शून्य जोड़ेंगे कि ये 15 हो जाएगा। निम्नलिखित को जोड़िए, नवा प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित को जोड़िए। -15 - -18 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 13 और 1 × 1 = 2 = 3, ये हो जाएगा बच्चों -15 + -18 को जब हम जोड़ते हैं तो -15 और ये -18, तो मैंने आपको बताया था माइनस 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 रहेगा और जब 15 में 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, -20 + 17, -20 में हमें जोड़ना है 17 को, तो बच्चों एक चिन्ह जब धनात्मक माइनस है तो हम माइनस ही करेंगे और 20 में से 17 गया 3, और बड़े वाले चिन्ह का जो चिन्ह होता है वह चिन्ह हमें देना होता है। ठीक है, -20 + 24 -3 + 24 में -16 को हमें जोड़ना है, तो 24 में हमें -16 को जोड़ना है, प्लस माइनस माइनस होता है 24 - 16, तो 24 में अगर हम 24 में से 16 को घटाते हैं तो उत्तर आता है 8। ठीक है, देखिए उत्तर आता है हमारा 8। ठीक है, -8 में जोड़ना है 5 को। ठीक है, तो -8 में हम जोड़ेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा -+5 है तो माइनस हम इसमें से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर -3। ठीक है, निम्नलिखित को घटाइए। अब हमें क्या करना है बच्चों, 10वें क्वेश्चन में घटाना है, -15 में से हमें घटाना है -5 को, तो हम लिखेंगे -15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +5 और ये हो जाएगा -10 उत्तर। ठीक है, 25 में से -75 को घटाना है, तो हम 25 में से घटाएंगे, देखिए माइनस मैंने लिखा और -75 को क्या करना है बच्चों, घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है 75 और ये आ जाएगा उत्तर आपका 100। ठीक है, अब आइए बच्चों क्वेश्चन, -8 में से -16 को हमें घटाना है। ठीक है, तो -8 में से हमें घटाना है -16, फिर हम लिखेंगे -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, तो इसका उत्तर आ जाएगा, 16 में से हम 8 घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। अब आइए -20 में से -18 को घटाना है, तो -20 में से घटाइए -18 को, माइनस माइनस आपका प्लस, -20 + 18 बराबर -2। ठीक है बच्चों, अब आइए आपका प्रश्न है 11, निम्नलिखित गुणों को एक एक उदाहरण दीजिए। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था बच्चों क्रम विनिमय नियम, साहचार्य गुण, संवरक गुण, योज तस्मत, तो पहले क्रम विनिमय का कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो क्रम विनिमय ये कहता है, जैसे मान लीजिए -2 + 5 और बराबर 5 + -2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इधर भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा जब हम इसको हल करेंगे, तो इसका क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, 2 - 2 में जब 5 को जोड़ेंगे और जब हम उसको उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तो भी दोनों तरफ बराबर होगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी तीन, दोनों बराबर है। दूसरा साहचार्य गुण, ठीक है, साहचार्य गुण क्या होता है, जैसे हम ले सकते -3 + 4 और ये 5। ठीक है, तो हम यहाँ -3
और इसको कर सकते हैं प्लस 4 प्लस 5, ये हम अलग अलग समूह में लेते हैं पूर्णांक को। यहाँ पर हमने दो पूर्णांक का अलग समूह लिया है और यहाँ हमने दो पूर्णांक का अलग समूह लिया। जब इसको हल करेंगे तो दोनों तरफ जो है वो बराबर ही होगा, ठीक है। संवरक गुण, संवरक गुण क्या कहता है, जब हम किसी भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, माइनस प्लस 8 बराबर 3, किसी भी दो पूर्णांक को, 2 प्लस 5 बराबर 7, कोई भी पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही मिलता है। योजतस्मक, योजतस्मक बताया था मैंने बच्चों को, किसी भी पूर्णांक में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही मिलता है, यह इसका योजतस्मक होता है, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपका 12। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस 8 है, ठीक है। तो ऐसा पूर्णांक हमें लिखना है जिसका योग माइनस 8 हो, तो हम बच्चों इसका लिख सकते हैं -2 प्लस -6 -2 प्लस -6 बराबर -8, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, अंतर -18 हो, ठीक है। तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दीजिए, 2 माइनस जो है +20 कर दीजिए, ठीक है, 2 माइनस 20 कर दीजिए तो यह हो जाएगा -18। योग शून्य है, ठीक है, क्या है, योग शून्य है, तो -5 में +5 को जोड़ दीजिए तो योग शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप दूसरा भी लिख सकते हैं जिसका योग 18 हो, आप ए का -4 और -4 भी लिख सकते हैं -8, इसका बी आप दूसरा अंतर भी लिख सकते हैं, 18 योग आना चाहिए, ठीक है, जिसमें 18 को हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। और ये -4, सी का आप -4 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।